हमारा विशेष ध्यान रहता है लड़कियों के ऊपर, मैं भी एक लड़की हूँ तो यूँ कह ले कि लड़कियों पे विशेष एक ध्यान है हमारा कि बच्चे पढ़ सके, लड़कियाँ आगे आ सके, और सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं सर, खेल कूद के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में, और अभिभावक लोग का काफी सहयोग मिल रहा है पढ़ाने के लिए। पटना में मतलब बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखे थे, गाँव में हम पहली बार देख रहे हैं मैम। हम भी थोड़ा सा अचंभित है, मतलब जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग भी सोचेंगे कि फ्री में कैसे पढ़ा रहा है। अच्छी पहल है हमारी संस्था की। आगे कहां कहां तक जाने की प्रयास है? अभी तो फिलहाल हम लोग 2 ब्लॉक में कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे और यहां पर बेन ब्लॉक है। हाँ बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे कि हम लोग बेन ब्लॉक को ले नेक्स्ट फेज में और अच्छे से काम कर पाए। अभी हमारे साथ एक मैम मौजूद है जो पटना से चलकर आए हैं और ये संस्था चलाते हैं जिसका संस्था का नाम है BWDS, और एक परियोजना चलता है इनका, हमारी पाठशाला करके चलता है, उसी में मतलब यहाँ पर भाग लेने आए हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पर बच्चों को मतलब प्रतियोगिता हो रहा था, प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो भी मतलब बच्चे होते हैं, गाँव क्षेत्र के बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, जो मतलब पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हीं को मतलब ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप पटना से आए, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा सर, एक्चुअली आप मतलब ये मेरा फर्स्ट विजिट नहीं है, बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं इस गांव में। तो मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी जो हमारी संस्था है उससे जुड़कर पिछले 8 सालों से मैं काम कर रही हूँ, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मैं 8 सालों से ही काम कर रही हूँ, और ये हमारी पाठशाला परियोजना है जो कि पिछले 6 सालों से काम कर रही है, और ये बरनौसा गाँव ये फर्स्ट टाइम है हमारा, पहला ईयर है हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये 6 मंथ से हमारा क्लासेस चल रहा है यहाँ पर, और हम उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, स्कूल तो जाते हैं, स्कूली शिक्षा तो उनको मिल रही है, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है या फिर स्कूल जाके छोड़ दिए, ड्रॉप आउट हो गए, या फिर ये कहें कि जो बड़ी बच्चियां हैं 8 से 16 साल की बच्चियां जो हो गई हैं, घर के कामकाज या घर की पारिवारिक स्थिति होने की वजह से कुछ ये प्रॉब्लम होने की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, उन बच्चों को हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ सके। अगर हम बोले तो विशेष रूप से हम लड़कियों की शिक्षा के ऊपर में बात करना चाहेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात तो करते हैं लेकिन बच्चों की शिक्षा स्पेशली लड़कियों की शिक्षा की ओर पे लोग ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन गांव में अभी भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो हम लोगों का एक छोटा प्रयास है कि उन बच्चों को सेंटर तक ला के पढ़ाया जाए, और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ में उनका जीवन कैसे हो सके, उनके जीवन का कौशल कैसे हो सके उसके विषय में भी प्रशिक्षण दी जाती है, उन्हें बताई जाती है। और अभी हमारा अगर हम बोले तो हमारा अभी राजगीर में 7 सेंटर चल रहा है, सिलाव में हमारा 7 सेंटर चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये बरनौसा गाँव में हमारा सेंटर चल रहा है, और अभी चूंकि हम लोग बच्चे के बीच में कंपटीशन रखें, एक प्रतियोगिता रखें ताकि उनके अंदर जो दक्षता है, जो गुण है उसको बाहर लाया जा सके, और जो नहीं कर पाएंगे अच्छा उनको और बेहतर करने का हमारा एक प्रयास है कि बच्चे उसको अच्छे से कर पाएं, तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, हमारे द्वारा बच्चों के लिए ये किया जा रहा है, और हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो स्कूली बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं बच्चे, तो हम लोग तो स्कूल के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हम लोग सहयोग चाहते हैं कि गाँव वाले हमें सहयोग करें, हमारे टीचर सहयोग करें ताकि हम अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर सके। चूंकि हम लोग तो पटना में रहते हैं लेकिन हमारी संस्था इस क्षेत्र में काफी दिनों से, काफी वर्षों से काम कर रही है, और हमारे स्टाफ का काफी सहयोग रहता है ताकि वो सारे बच्चों से जुड़ के गाँव में जाके महिलाओं से मिलके, उनके अभिभावक से मिलके बात कर सके, वो काम करते हैं। इसके साथ साथ में हर एक महीना में बच्चों के साथ बाल संसद का बैठक किया जाता है, ये एक खुला मंच है जिसमें बच्चे अपने अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सके, अपनी निजी चीज़ों को लेके बात कर सके, तो हमने बच्चों को एक खुला मंच दे रखा है, और हर एक का नेता चुने गए हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं, तो बच्चे कुछ पैसा भी जमा करते हैं ताकि उन पैसों से अगर मान लीजिए किसी बच्चों को कॉपी और पेंसिल नहीं है तो वो दूसरे बच्चों की भी मदद कर सके, तो ये हमारी परियोजना के द्वारा काम की जा रही है, अभी विशेष रूप से ये काम चल रहा है, और शिक्षा स्वास्थ्य और बाल संसद के ऊपर में ही हमारा काम मुख्य रूप से किया जा रहा है। आपको रोकना चाहेंगे, कितने सारे को मतलब मन में होगा, गाँव के लोगों के मन में रहता है कि मतलब ऐसे फ्री में क्यों पढ़ाएगा कोई, इस पर क्या करना चाहते हैं? जी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों बता रहे हैं। जी 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 हम लोगों ने देखा है सर कि जैसे एक घर में अगर 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को एफर्ट कर सके स्कूल में भेजने के लिए, प्राइवेट स्कूल में या पढ़ाने के लिए, तो हम निशुल्क शिक्षा इसलिए है सर हमारा क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ सके भले उनका पैसा नहीं निकले, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे गाँव में कि पैसे के अभाव में अभिभावक बच्चों को नहीं भेज पाते लड़कियों में, जी लड़कियों में, तो हमारा विशेष ध्यान रहता है लड़कियों के ऊपर, मैं भी एक लड़की हूँ तो यूँ कह ले कि लड़कियों पर विशेष एक ध्यान है हमारा कि बच्चे पढ़ सके, लड़कियां आगे आ सके, और सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं सर, खेल कूद के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में भी आगे निकल सके, इसीलिए हम लोग व्यवहारिक जीवन में मतलब कुछ अच्छा कर सके, अच्छा कर सके, संस्कार तक सिखाया जी जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब अगर सरकारी स्कूल में उतनी अच्छा पढ़ाई होती, मतलब सभी
सरकारी स्कूल की हम बात हम लोग नहीं कर जी रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ कुछ सरकारी स्कूल है जो बहुत बेहतर पढ़ाई होती है जी। हाँ, कुछ कुछ है कि कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत सारे टीचर्स है जो हमें बहुत सहयोग करते हैं सर। जब भी हम लोग गाँव में प्रोग्राम करते हैं तो हमारे टीचर भी हमें सहयोग करते हैं। हम उनसे मिलके ही काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि हमारी सेंटर चल रही तो हम उनको छोड़ के काम करना चाहते, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे काम में उनका सहयोग रहे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। और ये चूंकि निःशुल्क शिक्षा है तो अभिभावक का थोड़ा आता है कि कैसे है, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, बट जब हमारे सेंटर पे आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं और अभिभावक लोग का काफी सहयोग मिल रहा है पढ़ाने के लिए। पटना उठना में मतलब बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखे थे, गांव में हम पहली बार देख रहे हैं। मैम हम भी थोड़ा सा अचंभित है, मतलब जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग भी सोचेंगे कि फ्री में कैसे पढ़ा रहा है। जी जी, तो ये जैसे हमारे टीचर है सर, हमारी जो फंडिंग एजेंसी, हमें पैसा तो मिलता है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किन्हीं के सहयोग से हम लोग कर बता रहे थे कि विदेश से ही फंडिंग आता है। जी, ये फंडिंग तो विदेश की है लेकिन वहाँ के बच्चे भी काफी मेहनत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा सेंटर के दौरान, बताने के दौरान, कि कैरल सिंगिंग करते हैं। जैसे कि वो लोग कैरल सिंगिंग करके जो पैसा, जो चंदा इकट्ठा होते हैं, वो चंदा का पैसा है। जी जी बिल्कुल, वहाँ के बच्चे जो हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक अच्छी मानसिकता है, एक सहयोग है जो हमें मिल पा रहा है और हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा पा रहे, जो कि एक अच्छी पहल है हमारी तो संस्था की। कहाँ कहाँ तक जाने की प्रयास है? अभी तो फिलहाल हम लोग दो ब्लॉक में कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे और यहाँ पर बेन ब्लॉक है। हाँ बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे कि हम लोग बेन ब्लॉक को ले नेक्स्ट फेज में और अच्छे से काम कर पाए। चलिए तो, मैम से मिलकर काफी अच्छा लगा। और इधर पर यहाँ पर एक सर है, क्या नाम हुआ सर, फिर से बता दीजिए। सर मेरा नाम रवि रंजन कुमार हुआ। ऐसे मतलब आपका मुख्य पेशा क्या है सर? मुख्य पेशा मैं तो सर खुद स्टूडेंट हूँ। जी जी, मैं खुद पढ़ाई करता हूँ जी, बट जहाँ तक ऐसा हम लोग को मिला है करने के लिए तो उसके थ्रू क्लास, मतलब सामाजिक काम कर रहे हैं आप ताकि समाज के बच्चे आगे बढ़े। जी, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। जी सर, कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा मतलब काफी पीछे। जी वो तो है सर, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रयास तो यही है सर अभी तक। अच्छा, बहुत सारे गार्जियनों का मन में होता है कि फ्री में कैसे पढ़ाता है, उसको कैसे दूर करना चाहेंगे? दूर तो सर इसके लिए हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं और जहाँ तक है आगे भी करेंगे। जैसे कि मैं राजगीर ब्लॉक में रामहरिपिंड गाँव में एनिमेटर के रूप में काम करूँ, आज यहाँ प्रतियोगिता है तो उसमें सर भाग लिया हूँ। मतलब और एक बार यहाँ पर देख लें, अगर कोई विश्वास नहीं है तो। हाँ हाँ, देखिए सर, मैम है, क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम रूपा कुमारी है। आप कौन से सेंटर में पढ़ाते हैं? मेरा सेंटर अमीरगंज गांव में चलाती हूँ, राजगीर ब्लॉक में बिहार। मुक्त शिक्षा देते हैं बच्चों को? जी जी, मुक्त। मतलब बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे मन में होता है कि मुफ्त में कैसे कोई पढ़ाएगा, ये होता है। मुफ्त में बाहर से एजेंसी देता है, उसी के कारण हम लोग पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग का भी पेमेंट मिलता है उसी से, मतलब कुछ कुछ मिलता है खर्चा तो उसी से। मतलब बच्चों को भी बच्चों करते के, हैं बच्चों, और मतलब बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो गरीब देने का मतलब काम करते हैं। हाँ, अपना टाइम जो पढ़ाई के बाद, छुट्टी होला के बाद 2 घंटा या स्कूल जाने के बाद पहले ट्यूशन देने का काम करते हैं। ट्यूशन देने के, हाँ, ताकि बच्चे अच्छा पढ़े, मतलब अच्छा विकास करें, मजबूत हो बच्चा, कमजोर बच्चे अच्छे हो। वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे अनु मैम थे और रवि सर थे और रूपा मैम थे और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।